तो बड़ी खबर आपको बता दें कि शेयर बाजार पर भी असर पड़ा है चुनावी नतीजों का। 400 अंक ऊपर खुला है सेंसेक्स निफ्टी, 150 अंक ऊपर। सीधे चलते वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, क्या संकेत है और क्या संदेश है 2014 के चुनावों के लिए शेयर बाजार की तरफ से? साफ संकेत है नवजोत की, शेयर बाजार के जितने भी निवेशक हैं, चाहे हम घरेलू निवेशक हैं, भारत के निवेशक या फिर विदेशी निवेशक हैं, सभी चाहते हैं कि यूपीए सरकार अब हटी जाए और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चांस दे दिया जाए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे सामने, हालांकि वो स्पेकुलेटिव थे, लेकिन उसके बावजूद 400 अंकों की उछाल देखी गई थी पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन। और आज एक बार फिर जब सामने नतीजे खुल के सामने आ गए, बीजेपी लीड कर रहा है, तो 400 अंकों में लगभग 500 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स खुला है। ये बहुत ही साफ संकेत दे रहा है कि शेयर बाजार और खासतौर पर इकोनॉमी, जो कॉर्पोरेट इंडिया की जो पूरी जो लोग हैं, वो साफ चाहते हैं कि आप बदलाव जरूरी है। तो ग्रीन सिग्नल है, बदलाव शेयर बाजार भी चाह रहा है और ये संकेत और संदेश दे दिया है। चुनावी नतीजों ने फिलहाल ये संकेत और संदेश दिया है और इसी वजह से शायद सेंसेक्स में भी उछाल देखा जा रहा है, निफ्टी 150 अंकों पर। शुक्रिया वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार और हम चलते हैं वीरेंद्र सिंह गुनावत के पास ही। तो वीरेंद्र, अगर हम 2014 की बात करें, माने कि ये रुझान जो है, ये उछाल जो है, ये अगले साल 2014 तक भी दिखाई देगा इसी तरीके से? जबरदस्त उछाल है सेंसेक्स में, 400 अंक से ज्यादा ऊपर खुला है सेंसेक्स, और निफ्टी की अगर बात करें तो 150 अंक से ज्यादा संकेत है सीधा सीधा शेयर बाजार की तरफ से भी एक खुशी है चुनावी नतीजों का ये असर कह सकते हैं। और हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे थे, असर जो है अब सीधा 2014 के चुनावों में भी नजर आएगा।